टूनी सपनों में रहने वाली लड़की है। उसे अपने नियमों के अनुसार जीना अच्छा लगता है। वो अपनी जिंदगी में किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं करती। टूनी की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। उसका पति कालू उससे बहुत प्यार करता है और कोशिश करता है कि वह अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी कर सके, लेकिन टूनी को फिर भी उससे शिकायत रहती है। एक दिन, ये लो टूनी, तुमने जो सामान मंगाया था वो सब ये रहा। लेकिन इसमें एक चीज अभी कम है। वो क्या है टूनी? अच्छा, तो आप इतनी जल्दी भूल गए? अरे मैंने कल आपको बाजार में बनारसी साड़ी दिखाई थी ना, वो कहाँ है? आपको सारी बातें याद रहती है लेकिन मैं कुछ मांग लूँ वो याद नहीं रहता। अरे टूनी, याद था मुझे, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी सैलरी अभी आने में टाइम है, तब तक तुम थोड़ा सब्र कर लो, फिर मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। मेरे लिए तुम्हारे पास कभी पैसे में रहते भी है। अपनी माँ के लिए तो सूट लाना याद रहा, लेकिन मेरे लिए साड़ी लाना याद नहीं रहा। अरे टूनी, तुम समझती क्यों नहीं हो, माँ के पास सूट नहीं थे, उनके सारे सूट फट चुके थे, इसलिए मैं ये सूट लाया हूँ। और ये सूट इतना महंगा नहीं है, तुम्हें भी मैं तुम्हारी साड़ी दिला दूंगा, एक बार सैलरी तो आने दो, गुस्सा मत करो। कालू एक कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम करता है और पिता की मिल रही पेंशन से घर अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन टूनी को इससे ज्यादा ही चाहिए। उसे तो अच्छा घर, अच्छी कार और महंगे महंगे कपड़े और जेवरात पहनने के लिए चाहिए, लेकिन उसकी ये इच्छा कालू पूरी नहीं कर सकता, इसलिए दोनों के बीच आए दिन खटपट होती रहती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ एक दिन पार्क में गए। वहाँ उसे एक अमीर लड़का दिखाई दिया जिसका नाम सोनू था। वो देखने में भी बहुत हैंडसम था, इसलिए टूनी की नजरें उसी पर जम गई। लेकिन जब सोनू वहाँ से चला गया तब टूनी ने अपनी नजरें हटाई। ऐसे ही अगले दिन जब वह मॉल में कुछ सामान लेने गई तो उसे फिर से सोनू दिखा और उसने कहा, अरे आप यहाँ, आप तो कल पार्क में भी थे ना? हाँ मैं था, आप भी थी क्या? हाँ, मैं भी उसी पार्क में थी अपने पति और सास ससुर के साथ, और मेरी ननन भी मेरे साथ थी। ऐसे ही दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों की मुलाकातें भी होने लगी। महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता और महंगे महंगे गिफ्ट देता। उसका पति कालू एक बार टूनी से पूछता भी है कि ये सामान उसके पास कहाँ से आया, तो टूनी कहती है, अरे ये सब सामान तो मैं अपनी बचत के पैसों से लेती हूँ। अच्छा, सही है, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम बचत भी करती हो, लेकिन खुशी हुई सुनकर। ऐसा कहकर कालू अपने काम पर निकल जाता है और टूनी सोनू से मिलने निकल जाती है। एक दिन टूनी ने कालू से तलाक मांग लिया। टूनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती, मुझे तुमसे बस तलाक चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, कर देता हूँ। कालू टूनी को तलाक दे देता है और टूनी वो तलाक के पेपर लेकर सोनू के पास जाती है। देखो सोनू, मैंने अब अपने पति से तलाक ले लिया है, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं और अपनी एक नई जिंदगी बसा सकते हैं। लेकिन टूनी, ये तुम्हें करने को किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था कि तुम अपने पति से तलाक लो, और मैंने कब तुमसे वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं तुमसे कोई शादीवादी नहीं करने वाला हूं। लेकिन सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम और मुझसे प्यार करती हो, मैं सब जानता हूं टूनी, तुम मुझसे प्यार नहीं सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हो। जो अपने इतने प्यार करने वाले पति और सास ससुर की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी। मैं तुमसे सिर्फ ऐसे ही प्यार का नाटक कर रहा था, मुझे खेलने के लिए खिलौना चाहिए था जो तुम खुद मिल गई, खुद ही मेरे पास चली आई। अब मेरा काम खत्म तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से निकल जाओ। टूनी अब सड़क पर आ गई थी, ना वो अपने पति के घर जा सकती थी और सोनू ने भी उसे निकाल दिया था। बेचारी, अब उसे अपने पति की वो बातें याद आ रही थी जो उसने उससे कही थी। वृंदावन नगर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। हर रोज उन्हें अपने हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू भोग में लगाती थी। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, इस उम्र में इनका एक्सीडेंट हो गया है, ये कैसे परीक्षा ले रहे हो हमारी, अभी तो पीलू की शादी भी तो करनी है, इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। माँ तुम चिंता क्यों करती हो, ये भगवान की ही दया है कि पिताजी की जान बच गई, और रही इनके इलाज की बात, उसके लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे बेसन के लड्डू बनाने आता है, मैं बेसन के लड्डू को घर घर बेचा करूंगी, भगवान का भोग है, सभी को पसंद आएगा ही। बेटी तू कितनी हिम्मतवान है,
और तेरी भक्ति कितनी शुद्ध है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे कहाँ से आएगा बेटी? माँ, मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उनका इस्तेमाल कर लूँगी। इसके बाद पीलू बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। हर सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करती है और बाकी के टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू, लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू। ऐसे बेसन के लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। सुंदरी उसके पास जाती है। अरे वहाँ पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पीलू सुंदरी को लड्डू खिलाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है ये, कितने अच्छे से बेसन को पकाई हो। 1 किलो दे दो, मैं अब पूरे रिश्तेदारों में बांटूंगी कि पीलू कितने अच्छे बेसन के लड्डू बनाती है। थैंक यू सुंदरी दीदी, भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, उन्हें अच्छे लगते तो सबको अच्छे लगेंगे। इस तरह से पीलू के बेसन के लड्डू की बिक्री बढ़ने लगती है। हे कृष्णा जी, आपको लड्डू खिलाते खिलाते मुझे लड्डू बनाना आ गया और आज आपके भोग के कारण ही मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूँ। आपकी जय हो। एक दिन, पीलू, हमने तुम्हारे बेसन के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे 20 किलो लड्डू चाहिए। तो जाबाज को पीलू ऐसे कहती है। जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको 20 किलो लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर एक भी लड्डू खराब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं लड्डू भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती हूँ जाबाज जी, इसलिए लड्डू का खराब होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये पीलू कहाँ से लड्डू बनाने लगी है? पहले तो मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब तो मेरे लड्डू में कीड़े लग रहे हैं। पीलू के बेसन के लड्डू को खराब करना ही होगा, जिससे जाबाज इसको पीट देगा। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है, तभी कालू एक मिट्टी का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब तुझे कौन बचाएगा पीलू? कालू लड्डू में मिट्टी छिड़काकर भाग जाता है। अगले सुबह पीलू देखती है। अरे, मेरे बेसन में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे कृष्ण जी, आपको अब मैं भोग कैसे लगाऊंगी? मुझे जाबाज के ऑर्डर की चिंता नहीं है, मुझे तो आपको लड्डू खिलाने हैं। फिर पीलू रोने लगती है, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। पीलू, रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। कृष्णा जी, आप इतने प्यार से तुम मुझे लड्डू का भोग लगाती हो, मैं तुम्हारे प्यार के कारण ही आया हूँ। पीलू, तुम निश्चिंत होकर बेसन के लड्डू बनाओ, जिसने तुम्हारे नुकसान करने की कोशिश की उसे मैं देख लूंगा। फिर श्री कृष्ण बेसन के ऊपर से हाथ घुमाते हैं और पूरी मिट्टी बेसन से अलग हो जाती है। फिर पीलू भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाकर बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। और अगले दिन, ये लीजिए जाबाज जी, आपके बेसन के लड्डू। वाह पीलू, सभी मेहमानों को तुम्हारे लड्डू बहुत पसंद आ रहे हैं। शाबाश, आपसे तुम्हें हमारे घर के हर फंक्शन का ऑर्डर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। पीलू अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है, तो वो देखती है कि लोग कालू की पिटाई कर रहे हैं। हमें लड्डू के नाम पर मिट्टी खिला रहे हो, ये लो। कालू, तो दिल से भी काला है, मेरे बच्चे का तेरा लड्डू खाकर दांत हिल गया। पीलू समझ गई कि उसके घर में आकर किसने मिट्टी मिलाया था। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के कारण पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है और पीलू रोज कृष्णा जी को लड्डू का भोग लगाना जारी रखती है। चंपक वन में सुंदर एक गरीब धोबी था। वो लोगों के कपड़े धोता था और कपड़े प्रेस करके पैसे कमाता था। सुंदर शिव जी का भक्त था। वो हर दिन शिव जी को जल चढ़ाता था, बेलपत्री अर्पित करता था।
सुंदर की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर दिन अपने स्त्री को शिव जी के सामने रखकर उनसे आशीर्वाद लेने के बाद काम शुरू करता था। सुंदर अपने बेटे बंटी और बबलू पीलू के साथ रहता था। एक दिन काम करते करते बेहोश हो जाता है। उसे डॉक्टर अब से काम करने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन इस दुर्घटना में उसकी स्त्री टूट जाती है। पिताजी, आपकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये है कि एक नहीं सुनते। आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनसे कहिए ना कि इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए और ये काम करने लगे। बेटी, इस बात के लिए शिव जी को तकलीफ नहीं देते हैं, पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। बंटी बेटा, शिव शंभु का आशीर्वाद ले और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा। तू कुछ कमाता नहीं है और अब मेरी तबीयत के कारण मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तू अपने लिए स्त्री खरीद ले। पिताजी, आपके जमाने में ये सब चलता था, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। आप किसी का कहना नहीं मानते हो, आप बहुत जिद्दी हो, ये नहीं तो कोई और काम शुरू कर दो। लेकिन बंटी उनकी बात नहीं मानता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू दुखी हो जाती है तो सुंदर शिव के पास उसको लेकर जाता है। हे भगवान शिव जी, मुझे पता है ये सब आपकी लीला है। प्रभु, आप मेरी बहू की प्रार्थना सुनिए। हे शिव शंभु, कृपा करके मेरे पति को सही रास्ते में लाइए, ऐसे में तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, कृपा करें प्रभु। और शिव जी उसकी भावनाओं को सुनकर प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, सुंदर मेरा बहुत प्यारे भक्त हो आप। बेटी तू चिंता मत कर, मैं अपने परम भक्त के बेटे को भटकने नहीं दूंगा, मैं उसका कल्याण करूंगा। जो हो भोलेनाथ, आपकी जय हो शिव शंभु। जय हो शिव शंभु जी की। और ऐसे ही एक दिन बंटी जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, क्या तुम्हारा नाम बंटी है? प्रणाम साधु महाराज जी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तो तुम्हारे पिताजी सुंदर का भी नाम पता है और तुम्हारी पत्नी पीलू का भी नाम पता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अगर करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। साधु महाराज, आपको नाराज करके मैं शाप नहीं लूंगा, बताइए क्या काम है। और फिर साधु के कहने पर बंटी पत्थर लेकर आता है और साधु के कहने पर वो अलग अलग औजार लेकर उस पत्थर को तराशने लगता है। साधु उसे एक पत्थर की स्त्री बनवा लेता है और फिर उसे कोयला मंगवा कर उसको स्त्री करवाने के लिए लगा देते हैं। कुछ दिन डर के कारण बंटी स्त्री करने लगता है और फिर उससे कमाई होने लगती है। फिर एक दिन बंटी साधु से कहता है, साधु बाबा, आपने तो मुझे प्रेस करवाने वाला बना दिया। बंटी, क्या तुम्हें अपने पिता का ख्याल नहीं है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल नहीं है? तुम डर के कारण मेहनत किए, क्या तुम रोज काम नहीं कर सकते हो? आप कौन हैं? और साधु जी की जगह शिव शंभु प्रकट हो जाते हैं। शिव शंभु जी, माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी मेरे भक्त है, तुम्हारी पत्नी मेरी भक्ति की, मैं तुम्हारी दुर्गति होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए काम शुरू करो बेटा, घर के लिए, परिवार के लिए और अपना फर्ज निभाओ, मेरा आशीर्वाद है। हे शिव जी, मैं अपने पिताजी को तकलीफ दिया, अपनी पत्नी को तकलीफ दिया, अब आपके आशीर्वाद से मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा और घर का ख्याल रखूँगा। इसके बाद बंटी अपना पत्थर के प्रेस से कपड़े प्रेस करने का काम शुरू कर देता है, अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखता है। अब से वो पीलू और सुंदर के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन अभिषेक करता था। पीलू बहुत खुश हो जाती है और शिव जी को धन्यवाद देती है। बेटा, तू तो शिव जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब तू पत्थर की स्त्री बनाने का काम भी शुरू कर दे। जी पिताजी, आपका ख्याल सही है। भोले
भोलेनाथ शिव शंभू महाराज जी की जय हो। और बंटी पत्थर का प्रेस बनाने का काम शुरू कर देता है और बहुत जल्द ही सफल हो जाता है। शिव शंभू जी के आशीर्वाद से उनकी आराधना करते हुए बंटी और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है।